अगर हम धार्मिक क्षेत्र कहें तो गलत नहीं होगा। पग पग पर यहाँ धर्म से जुड़े हुए रोचक स्थान देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ स्थानों के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बद इंतजामी की वजह से गुमनाम हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भगवान शिव के एक ऐसे अनोखे स्थान केदारेश्वर धाम पर। मऊरानीपुर से 12 किलोमीटर दूर केदारेश्वर धाम अति प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ पर 500 सीढ़ी ऊपर पर्वत पर चढ़कर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ का पूजन करने पहुँचते हैं। वर्तमान में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व जन सहयोग से ग्राम पंचवई के मार्ग से पर्वत के ऊपर तक रास्ते का निर्माण कराया गया। अब वहाँ वाहन सुगमता से पहुँच जाते हैं। प्राचीन स्थल को विकसित करने के लिए जहाँ प्रदेश सरकार ने अभी तक पर्यटक क्षेत्र घोषित नहीं किया है, जबकि क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मऊरानीपुर के ग्राम रौनी में पर्वत के ऊपर बने प्राचीन केदारेश्वर मंदिर की महिमा का वर्णन बहुत ही रोचक है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार यह मंदिर काफी पुराना है। पर्वत के ऊपर बने दिव्य स्थल की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। जहाँ तक लोगों का मानना है कि भगवान केदारेश्वर की प्रथम पूजा किसी व्यक्ति के द्वारा ना होकर अदृश्य शक्तियों के द्वारा की जाती है। यहाँ बताया जाता है कि यहाँ की पहली पूजा आज तक कोई नहीं कर पाया, और यहाँ पे हम लोगों को अटूट विश्वास है भोले बाबा के ऊपर कि यहाँ उनके दर्शन साक्षात होते हैं। कभी नाग के रूप में होते हैं, कभी बेलपत्र चढ़ जाता है, कभी फूल चढ़ जाते हैं। मतलब आज तक भोले बाबा पे कोई इंसान पूजा नहीं कर पाया? नहीं, पहली पूजा आज तक, प्रथम पूजा आज तक कोई नहीं कर पाया है। 3:30 बजे जब पहला पट खुलता है पहले पहर का, तो उस समय पहली पूजा हुई मिलती है। कभी जल चढ़े मिलते हैं, कभी बिलपत्र, कभी चावल, कभी फूल। इस तरीके से पहली पूजा कोई ना कोई सिद्ध बाबा आके कर जाते हैं। आज भी मंदिर के पट खुलते ही शिव की प्रतिमा पर मूल, अक्षत, जल, बेल, पत्र आदि में से कुछ न कुछ चढ़ा हुआ मिलता है। विशेषता यह है कि सवेरे से ब्रह्म मुहूर्त में तो अपने आप में पूजा होती है। पहले नंबर आज तक किसी ने पूजा नहीं कर पाई, एक बात। और हमारी 7:45 बजे आरती होती है मंदिर की। सावन के महीना में 5 सोमवार पड़ते हैं। सावन के महीना में पूरे महीना भर भीड़ रहती है। शंकर जी स्वयं मालक हैं यहाँ के, जो मांगों पे देते तुरंत पूरी होती। कोई भी आदमी अपनी घर पूरी कहता है तो तुरंत पूरी कहते हैं। क्या है ये? जी, हजारेश्वर की मूर्ति है ये। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ये शिवलिंग है जी, ये पूरी तो एक बीजक यहाँ पर ऐसा लिखा है जी वाला कि आज तक किसी ने इसको पढ़ नहीं पाया। वही मंदिर से कुछ ही दूरी पर पर्वतों की एक प्राचीन गुफा है, जिसे सीता रसोई के नाम से जाना जाता है। इस समय हम लोग मऊरानीपुर से 12 किलोमीटर दूर केदारेश्वर मंदिर पर हैं, और जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं ये सीता की रसोई कहा जाता है। और हमारे पास में इस समय गांव के ही एक व्यक्ति हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? पन्नालाल। पन्नालाल जी, ये जहाँ पे अभी हम लोग आप बैठे हैं, ये क्या नाम है इस जगह का? सीता रसोई। सीता रसोई, यहाँ पे मतलब क्या, मतलब सीता जी यहाँ रुकी हुई थी? बताओ, यही बताओ तो आदमी का। हमने नहीं देखे, हम बताते हैं, हम सुने, हम कह रहे यहाँ पर रुकती थी। और सीता की जो गुफा है वहाँ पर सीता जी स्वयं गई थी। वहाँ पर पूरे पत्थरों की आवाज़ सारी आती है, पूरी आती है। सोने चांदी है, रेखा भी खींची है, और चट्टानों पर चट्टानें रखी हैं, सारी व्यवस्था है वहाँ पर। और एक उर्सा बिल्ला भी रखा है वहाँ पर, देखते हैं आप बताएं। ये सीता की रसोई है, और यहाँ पे सुना है कि ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये पत्थरों में अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, तो ज़रा बजाएंगे इसे जी। और सर इस पत्थर से भी, इधर से भी आता है, और यहाँ अंदर भी है कुछ। पूर्व में
मंदिर तक पहुंचने के लिए रोनी गांव से 500 सीढ़ी चढ़कर श्रद्धालु मंदिर पर पूजा अर्चन करते थे। वर्तमान समय में उक्त मार्ग ग्राम पंचवई रोड से होकर पहाड़ी के ऊपर तक पहुंचने के लिए सुगम मार्ग का निर्माण किया गया है, जिससे वाहन सहित मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। श्रावण मास के चलते केदारेश्वर धाम में कांवड़ियों के साथ क्षेत्र व नगर के हजारों की संख्या में श्रद्धालुजन लगातार एक माह तक मंदिर पहुंचकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान बनाए गए रास्ते के बगल में पहाड़ी की कटान होने से पर्वत की चट्टाने खिसक कर आम रास्ते में गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। वहीं अन्य दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी हुई हैं। शुक्रवार की सुबह ऐसा ही एक हादसा होते होते बच गया। जब श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली मंदिर की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में पहाड़ की चट्टान गिरने से बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए लगा पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मंदिर के लिए जाने वाले रास्ते पर चार पहिया वाहनों के लिए रोक लगा दी। इस समय केदारेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर सबसे बड़ा खतरा इस समय बना हुआ है वो ये है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो ये चट्टाने हैं यहाँ पे कभी भी गिर सकती हैं, यहाँ की मिट्टी खिसक रही है और जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और इस समय हमारे साथ में हमारे संजू भैया मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और बताते हैं क्या। संजू भैया, यहाँ पे लगभग कितने यात्री आते हैं? यहाँ पर डे करीब 10,000 आदमी आता है, सावन के महीने में ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन करीब 10,000 आदमी आता है पर डे डेली दर्शन पूजा करने के लिए। अच्छा, अभी सुना है कि सुबह कोई घटना हुई है यहाँ पे? हाँ, ये सामने से ये मिट्टी से पहाड़ खिसक गया, ये थोड़ा सा ये यहाँ पे ये पहाड़ खिसक के नीचे जमीन पे आ गए थे। इन लोगों को 20-25 आदमी लेके इस पहाड़ को हटवा के रास्ता बनाई नहीं, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी थी, ट्रॉली भी यहाँ पे आगे जाके पलट गई है ट्रॉली यहाँ पे, तो उसमें कोई लोग कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन हादसा बड़ा हो सकता है आगे क्योंकि ये पहाड़ खिसक रहे हैं, इनका कोई व्यवस्था प्रशासन को शासन को देखना चाहिए। श्रावण मास की प्रथम प्रदोष होने के कारण कांवड़ियों व श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाने से मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए तथा जगह जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ के क्षेत्रीय लोग चाहते हैं कि इस प्रसिद्ध मंदिर का सुंदरीकरण किया जाए, साथ ही बाहर से आए श्रद्धालुओं के लिए यदि उचित व्यवस्था हो तो यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। न्यूज बुंदेलखंड के लिए मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। राम राम भैया, जैसो कि आपको पता है कि बुंदेलखंड को एकमात्र चैनल है न्यूज बुंदेलखंड, और अब तो भैया एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मजो आ गाओ, अब तो जवन खबरें आप देखो जामे बुंदेली भाषा में देखो। तो भैया देखो ना भूलियो न्यूज बुंदेलखंड।